तो देखिए अभी से लेकर आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। अभी ताजा अपडेट के लिए सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, अभी ताजा इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है? शरीन, लगातार अभी ईडी के जो अधिकारी हैं वो नवाब मलिक से पूछताछ कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो इमारत है ईडी की बिल्डिंग, इसकी टॉप मंजिल पर ही नवाब मलिक को सुबह लाया गया था, जहाँ पर लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी जगह पर छोटा शकील का जो रिश्तेदार है सलीम फ्रूट से भी पूछताछ की गई, और इकबाल कास्कर से भी यहीं पर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि इकबाल कास्कर की पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी जानकारी ईडी को मिली थी जिसे वेरीफाई करना काफ़ी ज़रूरी था। ये जानकारी किसी ज़मीन की खरीद और विक्री को लेकर है, और जिसमें ये सीधी बात सामने आ रही थी कि शायद नवाब मलिक इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ईडी को ये जो पूरी थियरी है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये वेरीफाई करना था। इसी वजह से नवाब मलिक को समन्स भेजा गया था, और आज सुबह ईडी की टीम और सीआरपीएफ की टीम उनके घर पहुंची और उन्हें कहा गया कि आप जांच में सहयोग करिए और हमारे साथ ईडी कार्यालय चलिए, जिसके बाद से वो ईडी कार्यालय में है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि ईडी ने दो मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। एक तो थाने पुलिस ने 2017 में वसूली का मामला दर्ज किया था, जिसमें दाऊद इब्राहिम भी आरोपी है, और उसी मामले में इकबाल कास्कर को तब गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एनआईए ने एक मामला दर्ज किया। एनआईए को जानकारी मिली थी कि दाऊद इब्राहिम ने एक स्पेशल सेल फॉर्म किया है, और ये स्पेशल सेल जो है नेता बिजनेसमैन पर हमला कर देश में हिंसा फैलाना चाहता है, जिसके आधार पर ये मामला दर्ज किया गया, और अब ईडी ने जांच को बढ़ा दिया। जी सूरज, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, जो भी इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट होगा सूरज ओझा के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।